Hello everyone, a very good evening to all of you. I am Shahid Khan and you are watching Wings Se Udaan. So dear students, स्वागत है आपका फिर से एक बार Wings Se Udaan में. एंड जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक वीडियो सीरीज़ शुरू की है इंडियन पॉलिटी को लेके, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के जनरल टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हर एक एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से. जितने भी कंप्यूटर एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो JKSSB है, चाहे वो JKPSC है जो कि हाल ही में होने वाला है 31 जुलाई को, चाहे फिर वो आपका SSC एग्ज़ाम है या फिर कोई और एग्ज़ाम है जिसमें इंडियन पॉलिटी आपको पूछी जाती है. सो दिस वीडियो सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं आपके लिए. एंड मैं आपको बता दूं कि कोई भी सोर्स आप उठा के देख लें, जो इन वीडियो सीरीज़ में आपको चीज़ें मिलेंगी वो आपको किसी भी सोर्स में उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. एंड बहुत मेहनत लगती है ये नोट्स बनाने में एंड इसको रिकॉर्ड करने में. सो आप कमेंट करें कि आपको कैसा लगता है ये. सो चलिए शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा सेशन है. एज़ यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट का हम पार्ट ए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमें कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन देखा पार्लियामेंट का. तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हुए आज का ये दूसरा वीडियो है जो पार्लियामेंट का ही पार्ट बी है. लेकिन उससे पहले जानकारी आपके लिए कि आप अगर ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आप रजिस्टर करा सकते हैं खुद को एंड आप फिर ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं. तो जैसा कि स्क्रीन देख पा रहे हैं आप, हम पार्लियामेंट डिस्कस कर रहे हैं एंड ये पार्ट बी है पार्लियामेंट का, एज आई टोल्ड यू पीपल. तो इसी को हम आज रिज्यूम करते हैं पार्ट बी को. एंड सबसे पहले आज हमारे पास है कि मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट जो है ये कैसे मिलती है. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा में लोकसभा में होते हैं वो किस तरह से आते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, ये चीज़ें हम इलेक्शंस के रिगार्डिंग ऑलरेडी देख चुके हैं. आज हम क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा देखेंगे. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि सिटीजन होना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जो भी ऑफिस होल्ड करता है इंडिया में उसका सिटीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे वो प्रेजिडेंट हो, हमने प्रेजिडेंट को देखा है जब प्रेजिडेंट पढ़ा हमने, या फिर चाहे वो वाइस प्रेजिडेंट हो. तो इसी तरह से जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इनमें सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. सेकंड क्वालिफिकेशन ये है कि ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस. तो क्या है कि इनको एक ओथ भी लेनी होती है. इलेक्शन कमीशन इस पर्पस के लिए क्या करता है, एक पर्सन को हायर करता है, ऑथराइज करता है. एंड इसके साथ आप ये भी याद रखेंगे कि राज्यसभा के केस में 30 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति, एंड लोकसभा के केस में 25 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए. सो ये एलिजिबिलिटी है, ये क्वालिफिकेशन है कि 25 साल की उम्र से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 25 साल कंप्लीट होने चाहिए. एंड किसके केस में, लोकसभा के केस में, एंड 30 ईयर्स जो है वो राज्यसभा के केस में कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, ये उसकी क्वालिफिकेशन. ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि ये क्वालिफिकेशंस जो हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशंस में दी गई हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वालिफिकेशंस आपको दी गई हैं किसके लिए, लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स के लिए. लेकिन पार्लियामेंट ने भी कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस रखी हुई हैं, एंड वो एडिशनल क्वालिफिकेशंस कुछ इस तरह से हैं कि जो व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होना चाहता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होना चाहिए, इलेक्टर होना चाहिए. सबसे पहली यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या कंडीशन रखी है, पहली क्वालिफिकेशन रही रखी है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है इंडियन पार्लियामेंट का, उसको उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होना चाहिए, इलेक्टर होना चाहिए. ये आप याद रखेंगे. एंड ये दोनों राज्यसभा एंड लोकसभा के केस में सेम है. ठीक है, दिस इज सिमिलर इन बोथ केसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. इसके बाद ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी. अगर वो किसी रिजर्व्ड सीट के लिए इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा है, तो यानी कि ST या फिर ST SC की सीट के लिए वो इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए उसको क्या होना चाहिए, अगर वो रिजर्व सीट के लिए कर रहा है तो वो ST SC से होना चाहिए. ठीक है, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब अगर वो किसी रिजर्व सीट के लिए कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन. एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई ST SC है तो वो नॉन रिजर्व सीट के लिए भी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकता है. कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट ए सीट
नॉट रिजर्व फॉर देम, ठीक है। तो अनरिजर्व सीट के लिए भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा लेड डाउन की गई हैं क्वालिफिकेशंस, ठीक है, 1951 रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वालिफिकेशन की तो बात सही है, बट एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि डिसक्वालीफाई कैसे होते हैं मेंबर्स। सो डिसक्वालीफिकेशन के बारे में भी हमको जानना है कि डिसक्वालीफाई कैसे होते हैं इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देख लें कि एक व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर तब डिसक्वालीफाई हो जाता है अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दो चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर वो मिनिस्टर है तो तब वो डिसक्वालीफाई नहीं होगा। अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऑफिस एग्जेम्प्ट किया गया है या फिर अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर है तो उस केस में उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन इफ़ ही इज़ होल्डिंग एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट बीइंग ए मिनिस्टर या फिर वो ऑफिस जो एग्जेम्प्ट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, इन दो के अलावा अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा है कि इफ़ ही इज़ अनसाउंड माइंड, इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड यानी कि वो दिमाग से थोड़ा ढीला बनता है, एंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाय द कोर्ट, ने भी उसको डिक्लेयर किया गया है कि ये अनसाउंड है, तो उस केस में भी क्या होगा कि उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस केस में इसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये डिसक्वालीफाई हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ इफ़ ही इज़ अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को सही से डिस्चार्ज नहीं कर रहा है तो इस केस में भी वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर वो इंडियन सिटीजनशिप को वॉलंटरली क्या करता है, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है या फिर इंडियन सिटीजनशिप को वॉलंटरली क्या करता है छोड़ देता है एंड किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है, तो उस केस में भी ही शैल बी यू नो डिसक्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एंड इसके साथ साथ और कोई क्वालिफिकेशन जो के और कोई डिसक्वालिफिकेशन जो कि पार्लियामेंट ने बनाई गई है पार्लियामेंट के द्वारा उसके अंडर अगर आता है तो तब भी ये डिसक्वालीफाई हो जाएगा एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये पांच चीज़ें आप याद रखेंगे, सबसे पहला अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, दूसरी बार अनसाउंड माइंड है, तीसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अगर सिटीजन ही नहीं है या फिर दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप वॉलंटरी यू नो एक्वायर की है, या फिर इसके साथ साथ अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई और लॉ बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंगली ये डिसक्वालीफाई है तो इसको डिसक्वालीफाई किया जाएगा। सो दिस इज़ डिसक्वालिफिकेशन प्रोविजन्स इन यू नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास ये है कि पार्लियामेंट ने भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस के यू नो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस यहाँ पे रखी हैं इन द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पहली डिस्क्वालिफिकेशन है एक मेंबर के लिए कि अगर इनमें से कोई एक चीज़ होगी तो वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर वो गिल्टी पाया गया है किसी ऑफेंस में, इलेक्शंस के रिलेटेड किसी ऑफेंस में गिल्टी पाया गया है, या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस जो इलेक्शंस में होती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती है या फिर यू नो कहीं पे कोई स्कैम हो जाता है इलेक्शन के रिगार्डिंग के जो लोग वोट देने आए नहीं होते हैं उनके वोट भी डाले जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी देखने को मिलता है कभी कभी। तो इस तरह के अगर किसी भी केस में वो इलेक्शंस के रिगार्डिंग करप्ट प्रैक्टिसेस में पाया गया है गिल्टी तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि अगर वो कन्विक्ट हुआ है किसी ऑफेंस के तहत, कोई ऑफेंस उसने किया है एंड उसको सज़ा मिली है एंड उसको इम्प्रिजनमेंट जो मिली है वो 2 या 2 साल से ज़्यादा की मिली है, तो उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की जब हम बात करते हैं ना, आर्टिकल 22 में मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनेटिव डिटेंशन की हम बात करते हैं, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अगर कोई क्या होता है डिटेन किया जाता है किसी को तो वो उस टाइम पे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बेस नहीं बन सकता, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के यू नो बेसिस पे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, आर्टिकल 22 आई होप आपको याद आ रहा होगा। एंड इसके साथ साथ एक और डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर द करप्शन, डिसलॉयल्टी या करप्शन के बेसिस पे उसको डिसमिस नहीं किया गया हो कहीं भी यू नो स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में। एंड इसके साथ साथ ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स, यानी कि अनटचेबिलिटी या फिर डाउरी प्रैक्टिस ऐसी कोई चीज़ ये करते हुए ना पाया गया हो, इसको पनिशमेंट ना मिली हो। यानी कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है, मैंने आपको बताया था, इट्स आर्टिकल
17, ठीक है। इसी तरह से यू नो डाउरी सिस्टम या फिर साथी, ये चीज़ें अगर ये प्रैक्टिस करते हुए पाया गया है, इसको पनिशमेंट मिली है, तो इस केस में भी इसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है पार्लियामेंट की मेंबरशिप से, ठीक है। ही कैन बी डिसक्वालीफाइड। सो एंड इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि ऑन द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर इज सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द अबो डिस्क्वालिफिकेशन द प्रेजिडेंट डिसीजन इज फाइनल। तो जितनी भी हमने ऊपर यू नो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रोविजन देखे, इसमें प्रेजिडेंट का डिसीजन जो है वो फाइनल है, ये आप याद रखेंगे। जो अभी तक हमने डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन देखे, इसमें प्रेजिडेंट का डिसीजन जो है वो फाइनल है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक और चीज़ आती है डिफेक्शन। डिफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में। एंड जब हम डिफेक्शन की बात करते हैं तो होता क्या है कि डिफेक्शन के बेसिस पे भी एक व्यक्ति को निकाला जा सकता है, डिसक्वालीफाई किया जा सकता है पार्लियामेंट की मेंबरशिप से, ठीक है। तो डिफेक्शन क्या होता है? 10th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्शन के रिगार्डिंग चीज़ें दी गई हैं। तो आप याद रखेंगे कि डिफेक्शन कब होगा? अगर एक व्यक्ति वॉलेंट्रली गिव अप करता है मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ए का कोई मेंबर है, उसने उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिया एंड किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाके वो मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ ए वॉलेंट्री गिव्स अप द मेंबरशिप द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हूज टिकट ही इज इलेक्टेड, जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे वो इलेक्ट हुआ है, अगर उसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को वो छोड़ देता है वॉलेंट्रली, तो उस केस में भी उसकी जो यू नो मेंबरशिप है वो उसको डिस्क्वालीफाई कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इफ ही वोट्स आर एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग, अगर वो वोट करता है या फिर वोट करने से मना करता है किसी ऐसे यू नो मैटर पे जो उसकी पार्टी ने उसको डायरेक्शन दी है कि ऐसा नहीं करना है, यानी कि पार्टी अगर कोई डायरेक्शन दे रही है कि इस मैटर पे वोट करना है, मैटर ए पे वोट करना है, मैटर बी पे वोट नहीं करना है, तो वो मैटर बी पे वोट कर रहा है, मैटर ए पे वोट नहीं कर रहा है, तो पार्टी की जो डायरेक्शन है उसके कंट्रेरी जा रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है वो, ठीक है, उसके अगेंस्ट जा रहा है वो, तो इस केस में क्या होगा, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंड इसके साथ साथ अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ है एंड उसके बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, ज्वाइन करता है, तो उस केस में भी क्या होगा, उसको डिसक्वालीफाई किया जाएगा। यानी कि ये डिफेक्शंस के बेसिस पे क्या होता है, डिसक्वालीफाई कंसिडर किया जाता है, डिसक्वालीफाई डिक्लेयर किया जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। तो डिफेक्शंस जो है ये स्केड्यूल 10 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें है। स्केड्यूल 7 मैंने आपको बताया था क्या है, इसमें लिस्ट सिस्टम है, ठीक है, लिस्ट सिस्टम है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। स्केड्यूल 4 मैंने आपको बताया था कि ये राज्यसभा की सीट से रिलेटेड है कि स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी, हम कल डिस्कस कर चुके हैं। स्केड्यूल 1 में नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स हैं, ठीक है, तो ये आप रिवाइज़ करने के लिए मैं बता देता हूँ कभी कभी, तो ये आप याद रखेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो रेड में लिखा हुआ है, तो जो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है, इसको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा ही डिसाइड करते हैं इस पे, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन पे अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें जो डिसीजन होते हैं वो लोकसभा में स्पीकर का होता है एंड राज्यसभा में चेयरमैन का होता है, एंड ना कि प्रेसिडेंट का, ठीक है। किस केस में? डिफेक्शन के केस में। डिफेक्शन के केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के डिसीजन जो होते हैं वो ही फाइनल होते हैं, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो डिसीजन है चेयरमैन एंड स्पीकर का वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, यानी कि उसको जुडिशरी चेक करेगी कि भाई जो यू नो चेयरमैन या स्पीकर ये अपनी मनमानी से तो नहीं कर रहे हैं किसी को डिस्क्वालीफाई ऑन द प्रिटेंशन ऑफ बीइंग डिस्क्वालीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। तो ऐसा तो नहीं है कि स्पीकर एंड चेयरमैन अपनी मर्जी से डिफेक्शन के चार्ज लगा के किसी को रिमूव कर रहे हैं। तो 1992 में ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का यू नो डिसीजन है कि चेयरमैन एंड स्पीकर का जो डिसीजन है इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर द चेयरमैन एंड स्पीकर डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू और नॉट इन केस ऑफ डिफेक्शन, तो आप बोलेंगे इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। 10th स्केड्यूल में है डिफेक्शन के रिगार्डिंग प्रोविजन। आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सीट्स वैकेंट कैसे होती हैं पार्लियामेंट में। तो 4 केसेस में पार्लियामेंट में सीट वैकेंट हो जाती है, 4 केसेस। तो ये पहली है
डबल मेंबरशिप, यानी कि अगर व्यक्ति लोकसभा का भी मेंबर बन गया एंड राज्यसभा का भी मेंबर बन गया, तो उस केस में क्या होगा कि उसको 10 दिन के अंदर अंदर ये डिसाइड करना है कि भाई वो किस हाउस में रहना चाहता है। अगर वो इन्हें नहीं डिसाइड करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो सीट होगी राज्यसभा में वो वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट राज्यसभा में 10 दिन के बाद सीट वैकेंट हो जाएगी। बट अगर वो 10 दिन से पहले ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे किस हाउस में रहना है, तो फिर वो उसी हाउस में रह सकता है, बट दोनों हाउसेज में उसकी मेंबरशिप नहीं हो सकती। तो ये डबल मेंबरशिप का प्रोविजन है। एक और चीज़ यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि अगर एक व्यक्ति जो है वो दो सीट्स के लिए इलेक्ट हो गया, यानी कि दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हो गया, तो वो अगर ऐसा हो अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे उसको ऑप्ट करना है, यानी कि दो सीट्स एक व्यक्ति को दो सीट्स के लिए इलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको डिसाइड करना है कि भाई वो किस वाली सीट पे एज मेंबर ऑफ क्या रहना चाहता है, पार्लियामेंट। उसको डिसाइड करना है कि वो किस सीट पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहना चाहता है। कि अगर वो डिसाइड नहीं करता है एंड उस केस में क्या होगा, दोनों सीट्स वैकेंट हो जाएंगी। ठीक है, दोनों सीट्स वैकेंट हो जाएंगी, तो ये आप याद रखेंगे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एट द सेम टाइम स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं बन सकता, यानी कि आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो आप स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं एंड आप स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर बन गए, तो आपको 14 डेज के अंडर अंडर क्या करना है, रिज़ाइन करना है स्टेट लेजिस्लेचर से। स्टेट लेजिस्लेचर से आपको विद इन 14 डेज रिज़ाइन करना है अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर से एंड आप स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर बन गए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, डुअल मेंबरशिप ऐसे होती है। एंड इसके साथ साथ एक और हमारे पास है डिसक्वालिफिकेशन। ड्यूअल मेंबरशिप की वजह से भी वैकेंट होती है सीट, डिसक्वालिफिकेशन की वजह से भी वैकेंट होती है सीट। तो किसी भी कारण अगर डिसक्वालीफाई हो गया, हमने देखा डिसक्वालिफिकेशन के बहुत सारे कारण हैं, डिफेक्शन भी उस पर एक कारण है, एक एक फैक्टर है। तो अगर किसी तरह भी कोई डिसक्वालीफाई होता है तो सीट वैकेंट तो होनी होनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। इसके साथ साथ अगर कोई रेजिग्नेशन देता है, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेजिग्नेशन देता है, बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं, यानी कि अगर राज्यसभा का चेयरमैन होता है, आपको पता है राज्यसभा का जो होता है चेयरमैन होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। लोकसभा का कौन होता है, स्पीकर होता है। एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करेगा, लोकसभा में स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा एंड राज्यसभा में चेयरमैन को रेजिग्नेशन देगा, एंड इन दैट वे वो रेजिग्नेशन दे के छोड़ सकता है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन उसमें क्या होगा, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट जब वो छोड़ देगा तो वैकेंट हो जाएगी सीट। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक सिचुएशन है जब वैकेंट होती है सीट पार्लियामेंट में। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे है कि जो रेजिग्नेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देता है, तो चेयरमैन एंड स्पीकर के पास ये पावर्स हैं कि वो कभी कभी उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, कि ग्राउंड्स ऑफ जो इसके रेजिग्नेशन है अगर उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, जेन्युइन नहीं लग रहे हैं स्पीकर को या चेयरमैन को ग्राउंड्स ऑफ रेजिग्नेशन, तो वो उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। एंड फोर्थ हमारे पास है एब्सेंस। एब्सेंस जो कि बंक मारते थे हम स्कूलों में, तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट में बंक नहीं मार सकता ज़्यादा लंबा बंदा। तो क्या है कि अगर 60 डेज कंप्लीट कंटिन्यूसली 60 डेज कोई एब्सेंट है पार्लियामेंट से, ठीक है, अगर कोई मेंबर सारी मीटिंग से 60 डेज के लिए क्या है, वैकेंट है विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी परमिशन से छुट्टी ले सकता है कोई मेंबर, बट विदाउट परमिशन अगर वो 60 डेज कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है पार्लियामेंट की, तो इन दैट सेंस उसको क्या है, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा एंड उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। इन चार केसेज में सीट जो है वैकेंट होती है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। एंड इसके साथ साथ और भी कुछ केसेज हैं जब सीट वैकेंट हो जाती है, कब, जब इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वॉइड डिक्लेयर किया जाता है कोर्ट के द्वारा, कि भाई इसके इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी थी तो इसकी सीट वैकेंट करो, या फिर अगर उसको हाउस से निकाल दिया जाता है,
इस केस में भी उसको सीट जो है उसकी वो वैकेंट हो जाएगी अगर उसको हाउस से एक्सपेल कर दिया जाता है, या फिर अगर वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो जाता है, इस ऑफिस के लिए वो इलेक्ट हो जाता है, तो उस केस में भी वो उसकी सीट जो वैकेंट हो जाएगी, एंड या फिर अगर उसको गवर्नर ऑफ स्टेट बना दिया जाता है तो उस केस में भी उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। तो ये चार और केसेस हैं जिसमें सीट जो है वैकेंट होती है, ठीक है, ये भी आप याद रखें। इसके साथ हमारे पास है ओथ एंड एफर्मेशन। तो पार्लियामेंट के मेंबर्स जो होते हैं उनको एक ओथ लेनी पड़ती है, एंड ये ओथ एडमिनिस्टर कौन कर रहा था है? इनको प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या फिर उस प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हों अपॉइंट किया गया कोई और व्यक्ति, ठीक है, तो वो एडमिनिस्टर करता है ओथ ऑफ मिनिस्टर, सॉरी ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा के मेंबर्स की भी एंड राज्यसभा के मेंबर्स की भी, दोनों की ओथ एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट या फिर कोई और व्यक्ति उसके द्वारा अपॉइंट किया गया हो, ठीक है। एंड इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई ओथ जब तक नहीं ले रहा है, ही के नॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एंड डज नॉट बिकम एलिजिबल टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो बहुत सारी प्रिविलेज ऐसी हैं पार्लियामेंट की जिनको वो इनके लिए वो एलिजिबल ही नहीं है, एंड वो वोट भी नहीं कर सकता, ना वो पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस में, जब तक वो ओथ नहीं ले लेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ओथ कितनी इंपॉर्टेंट है, कि तब तक उसको ना तो प्रिविलेज मिलेंगी, ना तो पार्लियामेंट्री मीटिंग्स में बैठ सकता है, ना ही वोट कर सकता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप याद रखेंगे इसको। एंड इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है पार्लियामेंट में, दैट इज़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आपको पता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होता है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा में, ठीक है, तो ये होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पर आप याद रखेंगे कि क्या होता है, ए पैनल ऑफ चेयर पर्सन फॉर लोकसभा, एक पैनल ऑफ चेयर पर्सन भी होता है लोकसभा के लिए, एंड पैनल ऑफ वाइस चेयर पर्सन भी होता है किसके लिए, राज्यसभा के लिए, पैनल ऑफ चेयर पर्सन एंड पैनल ऑफ वाइस चेयर पर्सन किसके लिए, राज्यसभा के लिए, ये आप याद रखेंगे, ये होते हैं। एंड इनका काम क्या होता है, ए पैनल ऑफ चेयर पर्सन फॉर राज्यसभा एंड पैनल ऑफ वाइस चेयर पर्सन फॉर द राज्यसभा, ये अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए पैनल ऑफ चेयर पर्सन एंड वाइस चेयर पर्सन क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। एंड इसके साथ साथ जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्शन एंड टेन्यूर, द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स एज सून एज मे बी आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग, तो स्पीकर जो है वो उन्हीं मेंबर्स में से इलेक्ट किया जाता है जो कि लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसटाइप है, असल में है इलेक्टेड बाय, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैं आपको बता दूंगा क्या है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप सुने इसको, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो लोकसभा के मेंबर से ही इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, स्पीकर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स, ठीक है, पहला पॉइंट, अपने ही मेंबर से इलेक्ट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा को। एंड इसके साथ साथ डेट ऑफ इलेक्शंस जो हैं वो फिक्स की जाती हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, सबसे पहली बात स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर से ही इलेक्ट किया जाता है, एंड इसके साथ साथ डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो फिक्स करता है, ठीक है, एंड इसके बाद अगर स्पीकर की वैकेंसी हो जाएगी तो दूसरे स्पीकर को इलेक्ट करने का प्रोविजन भी है कि दूसरा स्पीकर भी इलेक्ट होता है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्पीकर है वो जब तक लोकसभा है तब तक ऑफिस में रहता है, लेकिन क्या होता है कि जब तीन कुछ कारण ऐसे हैं जब स्पीकर को वैकेट करना है ऑफिस ऑफ स्पीकर, ऑफिस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर है उसको ऑफिस वैकेट करना है, किस किस केस में, अगर वो इफ़ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो लोकसभा का मेंबर रहता ही नहीं है, यानी कि उसको निकाल दिया जाता है या फिर वो छोड़ जाता है, तो इस तरह से वो स्पीकर नहीं रह सकता, पहला पॉइंट, अगर वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं है तो स्पीकर कैसे हो सकता है, ठीक है, इफ़ ही रिजाइंस बाय साइनिंग टू द डिप्टी स्पीकर, अगर वो रिज़ाइन करता है डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर देंगे तो उस केस में भी वो स्पीकर नहीं रहता फिर, या फिर अगर उसको एक रेजोल्यूशन के थ्रू जो कि मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इस मेजॉरिटी के थ्रू
अगर उसको रिमूव किया जाता है तो उस केस में भी क्या होता है, स्पीकर जो है वो उसकी जो वैकेंसी है वो बन जाती है, यानी कि उसकी सीट वैकेंट हो जाती है। लेकिन ये रेजोल्यूशन क्या है, 14 डेज एडवांस नोटिस स्पीकर को ज़रूर दिया जाएगा इस रेजोल्यूशन से पहले। एंड जो रेजोल्यूशन है स्पीकर को रिमूव करने का, ये क्या है, ही कैन नॉट, जब उसका रेजोल्यूशन चल रहा है उसको रिमूव करने का, यानी कि जब स्पीकर को रिमूव करने का रेजोल्यूशन चलाया जाता है तब वो प्रिजाइड नहीं कर सकता सिटिंग ऑफ हाउस, यानी वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्ट नहीं करता उस टाइम पे जब उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन चलाया जा रहा है उसको रिमूव करने का, ठीक है। एंड व्हेन द स्पीक लोकसभा इज डिसॉल्व, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब लोकसभा डिसॉल्व होता है तो स्पीकर का सीट वैकेंट नहीं होता है, उसका ऑफिस वैकेंट नहीं होता है, वो तब तक रहता है जब तक नया स्पीकर, नई लोकसभा यानी कि नई इलेक्टेड लोकसभा मीटिंग नहीं होती एंड नया स्पीकर जो है वो नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक वो स्पीकर रहता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस, द ऑफिस ऑफ स्पीकर डज नॉट वैकेट्स, एंड वो तभी वैकेट होता है जब नई लोकसभा बन जाती है, क्योंकि फिर वो नया स्पीकर बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप स्पीकर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पीकर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है। सबसे पहले ये हेड ऑफ लोकसभा है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे, हेड ऑफ लोकसभा, ये रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा का, ये गार्डियन एंड जितने भी पावर्स एंड प्रिविलेज हैं मेंबर्स को उनका गार्डियन होता है, एंड इसके साथ साथ ये प्रिंसिपल स्पोक्समैन है हाउस का, एंड सारे पार्लियामेंट्री मैटर्स में इसका डिसीजन फाइनल होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसके साथ साथ स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो अपने पावर डिराइव करता है कहाँ से, 3 सोर्सेज से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स एंड प्रोसीजर्स, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, तो 3 सोर्सेज से वो अपने पावर्स को डिराइव करता है, यानी कि स्पीकर के पावर 3 जगहों पर मिलते हैं हमें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। इसके बाद कुछ पावर्स की जब हम बात करते हैं तो ये ऑर्डर एंड डेकरम जो है वो मेंटेन करता है हाउस में, ठीक है, ये इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एडजॉर्न करता है हाउस की मीटिंग्स को, यानी कि मीटिंग्स को सस्पेंड करता है, ये आप याद रखेंगे, मीटिंग को सस्पेंड करता है, सेशन को सस्पेंड नहीं करता है। और कब ये मीटिंग को सस्पेंड करता है, जब क्योरम नहीं होगा। क्योरम क्या है, मिनिमम नंबर्स किसी भी मीटिंग को चलाने के लिए, एंड वो क्या है, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो जब वोटिंग होती है हाउस में किसी भी मैटर पे तो ये पहले वोटिंग नहीं कर सकता, लेकिन अगर 50-50 हो जाए वोटिंग में, अगर वोटिंग में 50-50 हो जाए तो तब ये कास्टिंग वोट करता है, यानी कि टाई को तोड़ने के लिए वोट करता है, लेकिन पहले वोट नहीं कर सकता। और इसके बाद जॉइंट सिटिंग का मैंने आपको बताया था कि जॉइंट सिटिंग भी होती है, अगर डिसएग्रीमेंट है दो हाउसेज में तो तब क्या होता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जॉइंट सिटिंग का, एंड जॉइंट सिटिंग कराता कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। एंड एक सीक्रेट मीटिंग भी करा सकता है स्पीकर हाउस की, अगर लीडर ऑफ हाउस जो है उसको रिक्वेस्ट करेगा तो उसके बाद एक सीक्रेट मीटिंग हाउस की कराई जा सकती है स्पीकर के द्वारा। एंड मनी बिल है कि नहीं, इस पर डिसीजन जो होता है फाइनल होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का, एंड मनी बिल किसकी रिकमेंडेशन से आती है, प्रेसिडेंट, यह मैं आपको बता चुका हूँ। जब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें रिवाइज भी होती हैं क्योंकि लिंक्ड हैं चीज़ें। एंड क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको ऊपर बताया 10th स्केड्यूल में, जो डिफेक्शन के रिगार्डिंग क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन से जो डिफेक्शन के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा, स्पीकर का, बट ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है इन 1992 सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस वॉज अबाउट स्पीकर। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के चेयरमैन को अपॉइंट करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ये खुद 3 कमिटीज़ का मेंबर होता है, चेयरमैन होता है, नॉट मेंबर, चेयरमैन होता है ये 3 पार्लियामेंट्री कमिटीज़, कौन सी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। तो आप याद रखेंगे इसको किस तरह से, BR&G, इस तरह से इसको याद रखेंगे, या फिर GRB या फिर BGR, तो ये 3 कमेटी हैं जिनका ये खुद चेयरमैन होता है, लेकिन बाकी सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के चेयरमैन को ये अपॉइंट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन, आई होप दिस इज़
अंडरस्टूड एंड आपको समझ आ गया है एंड यू नो द हेल्थ इज़ नॉट गुड, सो इसीलिए शायद थोड़ा जल्दी में आज ये सेशन हो गया. सो विल सी यू गाइज यू नो इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड गुड एंड कीप रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से उड़ान.